है। आज बात करेंगे नव नियुक्त नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के गुरुग्राम नगर निगम में किए गए औचक निरीक्षण की। मंत्री के आदेश, अब प्रत्येक नगर निकाय में कर्मचारियों को पहुंचना होगा 10 मिनट पहले। इससे पहले सुबह 9 बजे का समय निर्धारित। निरीक्षण के दौरान अधिकतर कर्मचारी पहुंचे लेट, 30 से 40 मिले गैर हाजिर। विभाग प्रमुखों से मांगा स्पष्टीकरण। अब खबर विस्तार से। हिसार से विधायक व हाल ही में नव नियुक्त नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता बुधवार को गुरुग्राम नगर निगम का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला, बादशाहपुर विधायक राकेश दौलताबाद व पटौदी विधायक जरावता आदि मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने सभी कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर कब्जे में लेकर जांच करने की बात कही। वहीं कर्मचारियों को समय पर पहुंचने की नसीहत भी दी। पहली बार गुरुग्राम नगर निगम पहुंचे मंत्री, पूर्व में नगर निकाय मंत्री रहे विज की तरज पर कार्य करते दिखे, लेकिन वह बस लोगों को समझाने तक ही सिमट कर रह गए। ऐसे में सवाल है कि नगर निकाय मंत्री के आदेशों का कर्मचारियों पर कोई असर पड़ेगा या फिर पहले के ढर्रे पर ही व्यवस्था चलती रहेगी। इस दौरान मंत्री ने क्या क्या आदेश दिए, देखिए इस पूरी खबर में। है अंदर है। क्योंकि आप जहाँ समय पर आ गए और आपका स्टाफ अगर समय पर नहीं आया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो आपकी ज्यादा है ना। हाँ, और आप कभी अगर उनकी एब्सेंट आज तक कितने साल से हैं? पिछले साल आए थे। उस एक साल में आपने कभी किसी की एब्सेंट लगाई? नहीं। इसका मतलब मैं अगर ये कहूँ कि आपने कभी चेक नहीं किया, इस बात को, मेरी बात को डिनाई करेंगे आप? मैं ये मान लूँ ना? नहीं, यूजुअली जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे क्या मैं आप कोई भी यकीन करेगा आपकी इस बात को? बताइए, एक साल से आपने अगर किसी की भी एक्शन नहीं लिया और मैं आज आया हूँ तो कम से कम 30-40 लोगों की एक्शन लेती है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे लोग जो हैं वो इनएक्टिव हैं या इनकेपेबल हैं। आपके नीचे 20 का स्टाफ है और आपने अभी उनका कभी एक्शन ही नहीं लिया, तो इट शोज योर इनकेपेबिलिटी। अब ये मैं जितने एब्सेंट हैं उनके सीनियर्स जो हैं उनकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसका मतलब उन्होंने कभी औचक निरीक्षण नहीं किया। मानेश्वर है, मानेश्वर है जी। फोन लगाओ उनको। हाँ, मुझे कोविड है सर, इनको कोविड में है ये जी। लेकिन ड्यूटी तो मानेश्वर है ना इसकी, यहाँ भी एडिशनल है। एडिशनल नहीं, एक मिनट। आज छुट्टी पर है या ड्यूटी पर है? छुट्टी पर है सर। पता है या नहीं पता? कोविड, कोविड है, कोविड कोरोना रखे सर। क्या जा रहा है कि धक्का मुक्की है सर? हाँ,
ये चीफ साहब है, ये चीफ इंजीनियर साहब छुट्टी पे है, महीने में 15 दिन छुट्टी पे ही रहते हैं जी। बताओ जी मेरे साहब छुट्टी के बारे में बताओ आप। छुट्टियाँ सैंक्शन कौन कर रहा है? इनकी चेक करवाओ जी, छुट्टी इनकी कागज पे है कि नहीं, रिकॉर्ड्स पे दिखाइए। ई डाक पे है? नहीं, आज की आज की है क्या? रजिस्टर इनका यहाँ नहीं होगा सर, या तो कमिश्नर ऑफिस में ही होगा, बट ऑफिस इनको इनको ब्रांच का तो मिल जाएगा, चीफ इंजीनियर का अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं। चीफ इंजीनियर कितने लोग बैठते हैं यहाँ? दो जीएसटी साहब का स्टाफ है यहाँ, यहाँ पर एक दो तीन तो दिख ही रहे हैं, बहुत सारा बहुत सारा। कितने लोग काम करते हैं मैडम यहाँ पर? आपकी ब्रांच का अटेंडेंस होगा वो दीजिए। किडनी स्टोन का और एक कॉवरेज का हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? देखो इनका रजिस्टर ले लो, देखो कब से भरा हुआ है, क्या है क्या नहीं। आगे चलो, आगे चलो, टोटल नाम ही नहीं है। मनप्रीत कौन है? मैं तो ये क्यों कहाँ है आप, तो आए नहीं ना अभी तक, यहाँ लाइन लगाऊंगा। और ये अमी अनीता अनीता ये भी नहीं, ये रेड पेन ये भी नहीं है, लाओ रेड पेन दो। बिना अटेंडेंस लगे बैठने का क्या मतलब है? ये भी रखो, ले चलो। और ये कहाँ का है जो आपने दिया है? ये इधर सब साइड का मनोज इनका रजिस्टर ये इनका रजिस्टर दो। और कौन है यहाँ? डिवीजन टू का रजिस्टर ले लीजिए। आर का क्या मतलब है? आर का क्या मतलब? आर का क्या मतलब? ये नहीं सर, आर तो राहुल जी सर। हाँ, ये साइन करने का तरीका है ना जी सर। तो राहुल कहाँ है? राहुल हमारे स्टाफ में पीएन है, बाहर राहुल बोला। और ये मान सिंह ये ड्राइवर है, ये भी नहीं आया अभी तक। मुनु है नहीं, नहीं राहुल तुम हो? हाँ जी। तो ये आर तुम स्वयं लिखते हो कैसे हैं? तो बड़े आसान साइन है आपके, ताकि कोई और भी कर दे। भी नहीं लगी हुई, यही सिग्नेचर है तुम्हारा। अच्छा, और मोहित तो कभी कोई और भी लिख देता होगा। ये सब चीजें हमने देखी हुई है, हम भी आपकी तरह रहे हुए हैं।
पूरे साइन किया करो प्रेजेंटर उनको भी चेक कर लेते हैं वही नाम है बारह जनवरी की कैजुअल है ना आज की आज की ये बरखा नहीं अमित कुमार अमित तो अमित कहाँ है यहाँ पर ये फोर में जिनका यहाँ पर आज की सीएल होगी ना अपने ऑफिस में जाओ यहाँ भीड़ मत करो और ये मोहित मोहित कहाँ है नहीं मोहित वत्स मोहित वत्स है भाई नहीं आया और ये बरखा बरखा यहाँ बैठी है ये भी नहीं है ये एब्सेंट और ये अमित की ये एप्लीकेशन है चलो इसको भाई ये तो ये बता सकते हैं सर फील्ड में है कहीं फील्ड में तो नहीं आते हैं क्या कभी मैडम जी आते हैं तो फिर आज नहीं है एस सी साहब तो नहीं है यहाँ पर मूवमेंट रजिस्टर एक दफा चेक करो नहीं मूवमेंट रजिस्टर ही नहीं है आपके ऑफिस में लेके आना फटाफट लाओ इनका मूवमेंट रजिस्टर को कब्जा करो नहीं नहीं ये क्या मतलब आए यहाँ ड्यूटी पर आए ड्यूटी पर आए हैं एसडीओ को चेक करें अमित कंप्यूटर क्लर्क आज के दिन जो पेंडिंग है कोई ऑनलाइन सिस्टम मैं सर इसके बारे में बता सकता हूँ सर मैं बता आप बता दें ऐसा है हमारे पास जो भी प्रोसेस में आता है ना हमें दो वर्किंग डे चाहिए होता है दो वर्किंग डे के अंदर या तो कोई ऑब्जर्वेशन है सर वो हम कन्वे कर देते हैं या हम साथ में क्लियर कर देते हैं तो आज के दिन कितनी पेंडिंग होगी कुछ सर आज के दिन कोई पेंडिंग होगी तो सिर्फ वही होगी जो कल आई होगी कोई नहीं देख लो एक बार हाँ वो देख दिखा दो एक बार दिखाओ जस्ट नॉलेज रह जाएगी कुछ नहीं उनको बोल रहा हूँ कंप्यूटर खोल दे रहा मैं दिखा रहा हूँ उनको जानते हो सर ये गुप्ता के साथ काम किया था जब लेबर कमीशन सब लोग हैं यहाँ पर सब आए रोज आते हो या आज ही आए हो अब ये संकल्प करो कि रोज आना है सब लोग संकल्प करें कि हम डेली 9:02-3:04 पर क्यों आए 10 मिनट पहले चलो 9 बजे सीट पर बैठो अटेंडेंस 9 बजे से पहले लगाइए ठीक है अभी आने शुरू हुए पहले से आते हो पिछले साल भी आते थे नमस्कार दोनों हैं हैप्पी गुड इतनी फाइलें हैं मतलब आपके पास में क्या है यहाँ पे दो लोग मन को आई 15 मिनट के लिए मन को आओ तो फिर अच्छी तरह 2-3 घंटे लेट आओ मतलब 2-3 मिनट का लेट क्यों मतलब मन में तो ये रहता है ना 2 मिनट लेट 10 मिनट पहले पहुंचकर आपके मन को शांति मिलेगी आपके मन की शांति कर सकते हम डेली 9:02-3:04 पर क्यों आए 10 मिनट पहले चलो 9 बजे सीट पर बैठो अटेंडेंस 9 बजे से पहले लगाइए यदि आप चाहते हैं देश प्रदेश अपने शहर व गांव की तमाम निष्पक्ष खबरों को देखना तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।